हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, ये एक बहुत क्वायरी है कि मेरे से कि कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बता दो फॉल इनटेक के लिए, जिससे कि हम अप्लाई कर सकें और जिनकी डेडलाइंस अभी बची हों, जिससे हम पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। जो मेरे फ्रेंड्स नए नए अभी आए हो, जिनको मास्टर्स करनी है, बैचलर्स करनी है, पर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है, अच्छा स्कोप लेना है आगे फ्यूचर के लिए, तो मेरे पास 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने जिनके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा क्वायरीज आ रही थी। तो मैंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढी है, जो कि बहुत अभी तक मैंने इन यूनिवर्सिटीज़ का किसी वीडियो में नाम नहीं लिया है। सो गाइस, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि ये अगर इनसे आपको I-20 आ जाता है तो एक वीज़ा के चांसेस हाई हो जाएंगे आपके। सेकेंड थिंग, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी ऑलरेडी लोगों को I-20 आ चुकी है, इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होंगे। जबकि आपकी प्रोफाइल जाएगी तो ऑलरेडी और भी प्रोफाइल होंगी जो उनमें से सेलेक्ट होंगी। 10 फाइल आई हैं तो 10 फाइल एक्सेप्टेड हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी हाई रैंकिंग और काफ़ी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। साथ में ये मैं भी लाया हूँ कि इनकी डेडलाइन क्या है। सो मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी की, जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है और इसकी डेडलाइन है मार्च एंड में। दूसरी यूनिवर्सिटी है न्यू जर्सी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी डेडलाइन है मई एंड में। इसमें काफ़ी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हो और उसका वीजा स्लॉट्स मिल जाएंगे आपको, तो आप आराम से जा सकते हो, इनकी वेबसाइट से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड यूनिवर्सिटी है सेंट होजेस यूनिवर्सिटी, जो कैलिफोर्निया में है और इसकी डेडलाइन है अप्रैल एंड में। फोर्थ यूनिवर्सिटी, वो भी कैलिफोर्निया में ही है, सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी, जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है सैन फ्रांसिस्को की, और इसकी डेडलाइन है मई इनटेक। सो गाइस, ये 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रैंकिंग, जिनकी कंपटीशन भी बहुत अच्छा है, रैंकिंग भी अच्छी है, फीस भी सही है, मीडियम फीस है इनकी, इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। फॉल इनटेक के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहो तो अभी डेडलाइन में टाइम है, इनसे आपका I-20 आ जाएगा, इनमें आप अप्लाई कर सकते हो, और मास्टर्स बैचलर्स के लिए काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो गाइस, ये थी एक वीडियो जिसपे काफ़ी क्वारी आती थी। और भी कोई टॉपिक हो, और भी कोई डाउट हो और आपको चाहिए कि एक वीडियो बनाऊँ मैं इस पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं एक वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक पे। सो गाइस, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। टिल देन बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।